नमस्कार दर्शकों, दर्शन न्यूज में आप सभी का हार्दिक स्वागत है। ऐतिहासिक कजली तीज मेला 2022 अब चढ़ने लगा परवान। कजली तीज मेला मंच पर गुरुवार 18 अगस्त को रंगारंग सांस्कृतिक कार्यक्रम का आयोजन हुआ। कार्यक्रम से पहले बाहर से पधारे हुए अतिथियों का पुष्प गुच्छ माला पहनाकर व साफा बंधवाकर स्वागत सत्कार किया गया। अतिथियों में राखी गौतम, प्रदेश पीसीसी सचिव, कोटा पार्षद मोहित गौतम एवं सरपंच कमलेश मीणा सरपंच संघ के अध्यक्ष रहे। स्वागत सत्कार के दौरान नगर परिषद सभापति मधु नुवाल, उप सभापति लटूर भाई, नगर परिषद आयुक्त महावीर सिंह सिसोदिया एवं आयोजन समिति के टीकम जैन, मोनिका शेरगड़िया, संध्या रावल, पूर्व पार्षद जितेंद्र दादिज, पूर्व पार्षद राजेश शेरगड़िया, पूर्व प्रधान भगवान नुवाल, रामराज अजमेरा, प्रेम प्रकाश एवरग्रीन, ममता शर्मा आदि पार्षदगण मौजूद रहे। सांस्कृतिक कार्यक्रम में कलाकारों ने एक से एक बढ़कर रंगारंग प्रस्तुति दी, जिसको देखकर दर्शकों में भारी उत्साह नजर आया। तो इसी तरह नई नई अपडेट्स व जानकारी जानने के लिए देखते रहिए हमारे साथ दर्शन न्यूज, जो है आप सबका अपना विश्वास। व चैनल को लाइक, शेयर व सब्सक्राइब करना ना भूले। 16 दिवसीय रंगारंग कार्यक्रम में कोटा से पधारे श्रीमती राखी जी गौतम, पीसीसी सचिव मोहित गौतम जो कोटा के पार्षद हैं, कमलेश मीणा सरपंच ब्लॉक अध्यक्ष, दीपक नागर पूर्व पार्षद, उपसभापति लटूर भाई जी और मेला समिति के सभी सदस्यगण, सभी मेरे पार्षदगण, सभी नगर परिषद कर्मचारीगण, मीडिया कर्मी, आज यहाँ पर जो स्कॉर्पियंस क्रिएशन इसमें इंडिया इज बेस्ट टीम डांसर परफॉर्मेंस, साक्षी श्रीवास्तव आपको डांस की परफॉर्मेंस देंगी। इंडिया इज गॉट टैलेंट इसके सलीम नागौरी मेलोडियन ओडिस जीतू जितेंद्र सिंगर है, रोहित शर्मा, मीनाक्षी, राधिका डांस ग्रुप आरपीएम भोपाल से आई हुई है। इसमें डांसर है तन्नू सिंह, सारिका, पूजा, डिंपल, आप इस ऑर्केस्ट्रा पार्टी का अभी यहाँ पर एंजॉय करेंगे। रोजाना यहाँ पर रंगारंग कार्यक्रम होने जा रहे हैं। कल वृंदावन से भजन गायक राजकुमार जी आएंगे और यहाँ एक बढ़िया झांकी सजेगी कृष्ण जन्माष्टमी के अवसर पर और भजनों की बौछार होगी, भजनों का कार्यक्रम होगा। आप सब आकर यहाँ पर आनंद लें। कोटा से पधारे आप सबका बहुत बहुत अभिनंदन। कोटा से मेरे साथ आए पार्षद और चूंकि पूर्व में यूथ कांग्रेस का जिलाध्यक्ष भी रहा है मेरा छोटा भाई मोहित गौतम और पूर्व में पार्षद दीपक नागर, बूंदी जिले की सबसे बड़ी और सबसे लाडली लोकप्रिय सभापति महोदया बहन मधु जी नौरवाल सर जो कि मेरे भाई हैं और इस कजली तीज मेले के शायद अध्यक्ष भी हैं, पहले आप सभी को इस रक्षाबंधन की, इस पावन सूत्र की बहुत बहुत बधाई और शुभकामनाएं और इस कजली तीज की भी मेरी ओर से बहुत बहुत बधाई और शुभकामनाएं। चूँकि कल भी एक बहुत बड़ा पर्व है, ये संजोग की बातें हैं, तो जन्माष्टमी की भी बहुत बहुत बधाई और शुभकामनाएं। बूंदी की जो कजली तीज है, हम छोटे थे तब हमने भी किताबों में ही पढ़ी और आज सभापति महोदया मैं आपको बताऊं कि मेरा पहली बार ऐसा मौका लगा कि मैं आज आपके इस कार्यकाल में आई और मुझे आकर के वास्तव में बहुत अच्छा लगा, हर्ष की अनुभूति हुई और जो संस्कृति को, जो हमारी भारतीय संस्कृति है उसको बूंदी ने जिंदा रखा हुआ है इतने सालों से, बल्कि
तो इसके लिए आप सभी और जो भी पुराने कार्य कर रहे हैं उन सभी को मैं बहुत बहुत साधुवाद बधाई और शुभकामनाएं दूंगी कि हमारी संस्कृति को बराबर कायम रखना, जिंदा रखना, ये अपने आप में एक बहुत बड़ी बात है। और इन्हीं संस्कृतियों से हम सब भारतीय जाने जाते हैं, पहचाने जाते हैं। और कहीं ना कहीं एक दूसरों से जो शुभकामनाएं देने का है, मिलने मिलाने का है और प्रेम व्यवहार का एक अटूट रिश्ता जो होता है वो इन्हीं सभी त्यौहार के माध्यम से और भारतीय संस्कृति में एक कहीं ना कहीं हम सब में अपनत्व की भावना लाने का एक माध्यम होता है जो कि आपने जीवित रखा है। सभी मेला कमेटी के सदस्य और पार्षद गण, हाँ
एक बार फिर से फ्लाइंग किस कर दो यार सबको। अब जल जाओ वापस। Oh, yeah.
प्यार करना है तो भारत माँ से करो, नहीं बेवफाओं में क्या रखा है भाइयों यार।